नमस्कार, सच देखो डिजिटल ब्रेकिंग में अभी की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश सरकार विश्व बैंक की मदद से किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेष योजना चलाने जा रही है। इसमें किसानों को अपने खेतों में पौधे लगाने पर आर्थिक मदद भी दी जाएगी। इसके लिए विश्व बैंक को 1,050 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है। वन विभाग ने एक कार्य योजना भी तैयार की है जिसे राशि प्राप्त होने पर लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत पौधरोपण में उपयोग होने वाले पौधों की गुणवत्ता को सुधारा जाएगा। किसानों को गुणवत्ता वाले पौधे मुहैया कराने के लिए PPP मोड पर भी काम होगा। किसानों को पौधे लगाने और उनकी देखभाल के मद में अनुदान राशि भी मुहैया कराई जाएगी। इसका पीछे का उद्देश्य किसानों को कृषि वानिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। इनमें मुख्य रूप से इमारती और फर्नीचर में काम आने वाली लकड़ी के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना शामिल है। प्रजाति विशेष के पौधारोपण के लिए क्लस्टर भी बनाए जाएंगे। विश्व बैंक से मिलने वाली राशि का एक निश्चित हिस्सा किसानों को अनुदान के रूप में वितरित होगा, जबकि इस योजना में हाईटेक नर्सरियों की स्थापना और परंपरागत नर्सरियों में सुधार की परियोजनाओं को भी शामिल किया जाएगा। प्रयास रहेगा कि किसानों को वन उपज पर आधारित उद्योगों से सीधे जोड़ा जा सके, ताकि किसान उनके जरूरत की लकड़ी का उत्पादन कर अपनी आय बढ़ा सके। वन विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि इस योजना के लिए विश्व बैंक ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। शीघ्र ही कार्य योजना को लागू करने के लिए नियम कायदे तय किए जाएंगे। जी हां, डिजिटल ब्रेकिंग में अभी की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में किसानों को पौधे लगाने के लिए मिलेगी आर्थिक मदद।